Yes. So today it's like Indian model look. It's a top model look. जहाँ पे हमने 6 cities में audition किए हैं और 6 cities में हम top model, उनमें से हम top models निकालेंगे जिसका audition आज final audition है बॉम्बे के अंदर और बॉम्बे में से हम final टॉप मॉडल निकालेंगे और अदर सिटीज़ में से हमने जो मॉडल्स निकाली हैं उनको हम इस प्लेटफॉर्म में उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ कि हम टॉप मॉडल्स को फाइनलिस्ट बना के हम यहाँ से जो फाइनलिस्ट बनेंगे उनको हम यूके भेजेंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। आपने जो ऑडिशन लिया उस राज्य का नाम बताइए और कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए हमने बेंगलोर में लिया है ऑडिशन, चंडीगढ़ में लिया है, कर्नाटक में लिया है, हमने ऐसे 6 cities में अब तक ले चुके हैं और ऑडिशन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही टैलेंटेड गर्ल्स हमें मिली हैं वहाँ से और आई थिंक दे गोना रॉक इट, रॉक द स्टेज। ऑडिशन लेते वक्त बताना चाहिए आप? इट्स सुपर्ब, बहुत ही मज़ा आया है ऑडिशन लेने में, तरह तरह का टैलेंट हमें देखने को मिला है और लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत, टैलेंटेड और समझिए कि इंडिया में ब्यूटी की कमी नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल लड़कियां हैं। आप खुद भी एक मॉडल हैं, काफ़ी बड़े मॉडल दीवा कर चुके हैं, तो जस्ट भी बैठ के कैसा आपको फील हो रहा है? थोड़ा गया या। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि एक टाइम था कि हमने ये सब अपने आप किया है, तो आज जब हम इस सीट में बैठते हैं और जज करते हैं तो एक अपने को एक अपना पुराना वक्त याद आता है कि इट्स सो डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द रैंप,
कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है. तो आज जब हमें किसी को भी देखते हैं, आप वॉक में रैंप करते हुए किसी को भी देखते हैं, तो आप फील करते हैं कि वो कितनी नर्वस होगी, उसको कैसे रिलैक्स किया जाए, उसको कैसे पैम्पर किया जाए, कैसे उनसे क्वेश्चन किए जाए. तो बहुत ही अच्छा लगता है और उनको काफ़ी प्रोत्साहन देने में बहुत मज़ा आता है. इसमें हमने अभी तक आई थिंक आज 8 सिटीज़ हमने कवर कर लिए हैं, चंडीगढ़, बेंगलोर, कर्नाटका और मैनी सिटीज़. ओके मैम, जैसे कि आप भी रह चुके हैं, तो क्या अलग आपको लगा इस ऑडिशन में? मैं किया है इस तरह के ऑडिशंस, और क्या अलग रहा? और आगे बहुत सारे इस तरह की दीवार है, मिस फेमिना में हर जगह लैक में है, तो आपका इसमें क्या अलग होगा? हमारा इसमें अलग ये है कि हम इसमें जितनी भी मॉडल्स हमारे पास आने वाली हैं, चूज़ कर रहे हैं, इसमें सबसे अलग बात यह है कि हम उनको एक साल के लिए यहाँ रहने का उनका पूरा का पूरा बंदोबस्त करेंगे, उनको फ्री सर्विस देंगे उनका रहने का, और उनको हम मॉडलिंग करवाएंगे. इसमें सबीरा मर्चेंट है, सबीरा मर्चेंट उनको एडिक्शन देंगे और एडिक्शन का पूरा उनको वो करेंगे. पूरी की पूरी ट्रेनिंग रहती है, जैसे उनको वॉक कैसे करना है, उनको क्या उनके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए. तो हमारे पास इस पूरी टीम है जो इनको परफेक्ट करेगी साल भर में. सबसे डिफरेंट यही हमने किया है कि उनको पूरा ट्रेन किया जाए और साल भर उनका जितना भी है हम खर्चा उठाएंगे. फाइनल आज हमारा बॉम्बे का फाइनल हो रहा है और फाइनल हमारा 6 तारीख को रहेगा. बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस इंडस्ट्री में आता है वो पूरे दिल से और पूरे कॉन्फिडेंस से अपना काम आगे करते रहें. इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अचीवमेंट जरूर पाते हैं. तो आई थिंक इंडियन मॉडल लुक जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और होप फॉर द बेस्ट और ऑल द गर्ल्स विल रॉक. पाइपलाइन पे है, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा बात करेंगे. या आई एम अ वेरी फिटनेस फ्रीक पर्सन, मैं रोज जिम करती हूँ, रोज अगर जिम ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो आई एम अ वेरी लाइक आई थिंक और हर औरत को फिटनेस फ्रीक होना चाहिए, अपने लिए टाइम देना चाहिए, बच्चों के लिए टाइम देना चाहिए. आज की औरत जो है खाली औरत ही नहीं है, घर के बाहर निकल के घर के बाहर भी काम करती है, घर भी संभालती है. तो इट्स वेरी प्राउड ऑफ आज की औरत को. बिग बॉस चल रहा है, सगुन जी क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस के लिए कोई कमेंट नहीं है. बिग बॉस मैं देखना ही पसंद नहीं करती हूँ, मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ. बिग बॉस इज टू मच, क्या कहते हैं उसमें, टू मच अब्यूज जो है, पसंद नहीं है इतना, बहुत ज़्यादा उसमें. शो को बैन करना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन? बिकॉज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी हैपन, अभद्र शब्दों का उपयोग किया जाता है महिलाओं को लेके, तो टीआरपी के लिए कुछ भी किया जा रहा है कलर्स चैनल में, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बिग बॉस बंद नहीं करना चाहिए, बट ये गलत शब्दों का इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए. उसको थोड़े तरीके से उसको मोड़ दिया जाए, अच्छा उसको तरीके से टर्न किया जाए, तो आई थिंक बिग बॉस इज़ नॉट अ वेरी बैड सीरियल. बट आई थिंक उसका जस्ट जो गलत शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए. My name is Princess Diana Elisha Ori Ajloun Shafer. I'm the royalty of Palestine and CEO of Shafer Enterprise. I'm based in Muscat, but because I am under contract with the Indian Embassy, so I'm here to get the produce and the finance up of Indian government. That's the whole thing. How was the experience? The experience for this show was really, really very nice. We have really, really potential girls here in India, and obviously Indian beauty has been known world around. So yes, it was definitely a proud moment to be judging this show with my very, very dear friend Sagun Gupta,
who's herself a Miss Elegant winner for Glantrax, and she's also an entrepreneur and a gemologist. So I'm catching her up with her after a really long time. It was a nice coincidence to bump into Sagun. So it was a pleasure having her and judging this show also. What is your further planning? Further planning is, I think so, it's a God gift that I'm born in royalty and princess. So I'm just fulfilling my duty as to be the royalty and support as many as young people, entrepreneurs, business people, and especially women who are coming into industries and they want to do something, and keeping them safe is what the main motive is. So that's what I'm working towards more. You are only asking the question when you're judging the all contestants. Which contestant you like much more? Well, to be very frank, everyone is unique and pretty and they're very much own. And me asking questions is more of kind of making them feel comfortable, because I've also been there, I've also been asked questions. So I just wanted just to be nice, and so that when they go back, they have something nicer to say about obviously this event and us. All these girls are coming from different states and different cities. Anything you like them more? You can see the unity in the diversity what India has. Every city has its own beauty, every city has its own skin tone, but they have so much of unity when they all come together, because at the end of the day, these girls are going to represent India on an international level. So that's what we matters. At the end of the day, these girls are Indians. Do you think that I guess when the beauty, when you talk about beauty, some people say beauty is your confidence or confidence is your beauty. But what I go for, you need to kind of maintain yourself, develop yourself on an international level. And I think so that much judgment, you have to do it on yourself rather than other people judging you. So you always don't have to change yourself, you need to improve yourself. And once you improve, I think so you're ready for anything in international and domestic also. You're looking beautiful, your dress. Thank you so much. Tell us about regarding this dress. Well, this is made by my seamstress. We princesses are supposed to represent the princesship till date also, to wear a gown which is handmade itself and the tiara which goes with it. So there are different colors obviously which comes, because this was the most emergency way I had it. So it's completely made by the royal seamstresses of our palaces. Any Bollywood film you like recently? Bollywood, I like Mom, Sri Devi ma'am. I'm like a huge fan of hers, from Miss India, Hawa Hawaii, to what she did. It was really, really an awesome movie. I really like that a lot, yes. Ma'am, recently Akshay Kumar commented on women in his shows. The journalist daughter who's judging the show, Akshay Kumar commented vulgarity. Can you tell us about regarding what you think, because judging as a women, a lot of your contesting, do you think this kind of issue we do comment? Well, you are informing me, that's when I came to know about it. I had no idea that something like but that is happening. He's a big actor, Akshay Kumar. Do you think everyone he should apologize for his comment? Well, everyone has their own opinion, so did Akshay Kumar has his opinion also. But yeah, because he is representing India on a public forum, I think so he could have used a lesser, harsher word that would I would support, but it's all to one and one to all. Did you watch Big Boss show? I am not following it though, but I've heard There's a lot about of it. Vulgarity in this show. Is lot it? Of abuse there. Women, do you think this kind of show should be shown in the national television channel? The Big Boss is a really good platform, I believe, on which is coming, which can get good talents. But I think so, it's the person who's in the show has to maintain their personality and their image in front of public. So that's the better problem then. All right, thank you so much. Okay, Aparna Soni, aur experience bahut acha raha. Meri modeling agency hai. Or talent management company bhi hai. I have a foreign model agency and I promote a lot of talent, so that's why I'm here for to select the best of the models. Kaisa raha experience do gorgeous women ke sath judge karna? Beautiful. Well, everybody is gorgeous and in their own rights, and it was an amazing experience. Thank Very you so good. Much. Thank you. Karo? कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का?
देखो मैं भी मॉडल हूँ खुद, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत ही टैलेंटेड गर्ल्स थी और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से आई हैं और उनमें यू नो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, और एक सबसे बड़ी बात है कि इंडियन ब्यूटी इज़ ऑलवेज टॉप ब्यूटीज़ माना जाता है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और जज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बट क्या क्वालिटी देख रहे हो, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या देख रहे हो? ब्यूटी विद ब्रेन ऑफकोर्स, सो इट हैज़ टू बी फुल पैकेज, तो पूरा ही हमको देखना है कि ब्यूटी भी है ब्रेन भी है, साथ में कुछ क्वालिटीज़ मिलनी चाहिए, तो काफ़ी हमें मिला है और काफ़ी सक्सेस शो रहा है हमारे लिए। क्या आने वाले दिनों में हम आप लोगों को देख सकते हैं ट्रेनिंग स्कूल कुछ चालू किया जाए जहाँ पर मॉडलिंग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी होती है, जो छोटे शहर के लोग होते हैं और गलत राहों में चले जाते हैं, तो लड़कियों के लिए, तो विल यू मेक एनी ट्रेनिंग स्कूल और मॉडलिंग स्कूल, यू विल ट्रेन देम एंड फ्यूचर? आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया है और डेफिनेटली हम इस रास्ते से गुजरे हैं, हमने ये सब देखा है, तो उसको देखते हुए डेफिनेटली हमें इसके ऊपर काम करने का सोच रहे हैं, तो मैं और डायना वन डे डेफिनेटली थैंक यू सो मच। और कैसा रहा एक्सपीरियंस आज के बाद? अरे गाना बंद करो भाई यार। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस और आप सिलेक्ट भी हो चुकी है, क्या कहना? Well, I'm very excited. Yes, my name is Khushbu Bhagat and I'm feeling very happy. Yes, I'm selected for the first round. Now let's see what comes ahead. कहाँ से आए आप, कुछ बताना चाहिए? I'm originally from Jammu, Kashmir, and I've been staying in Mumbai only. कैसा रहा experience, कुछ बताना चाहिए? सगुन जी के साथ, सगुन जी judge कर रही हूँ, judge कर रहे हैं, she's asking question. Yes. खुद model दीवार है। They are asking very good questions and very intelligent questions. So it's not only about the looks, but it's also about the intelligence. So modeling is not always about the looks. Your the physical look, what you are showing. It's also about your intelligence, how you respond to the questions. They are asking for sure very good questions, and we have answered all the questions. And they are very nice judges. Hi, I'm Soumya. कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ बताना चाहिए? और कहाँ से आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई वाज सिलेक्टेड इन दिल्ली एज अ दिल्ली फाइनलिस्ट एंड आई एम हियर फॉर द मुंबई राउंड ऑडिशन एंड इट्स बीन अ नाइस एक्सपीरियंस एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न्स एंड इट इज बीन लवली हियर एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द ऑडिशन। व्हाट मेड यू टू कम एट द ग्लैमर इंडस्ट्री? एक्चुअली आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद द मॉडलिंग वर्ल्ड सिंस द बिगनिंग. So that is why I was participating in various pageants, and that is why I'm here for the audition. Shagun ma'am is asking the question, and she is judging there. So can you tell us about regarding the judges? I haven't met them. She's just walk right now. She also judging, na? Okay. So she. I've not really met them. So not met. No. Okay. No. Right. Hi, my name is Soumya Singh. Hai. मैं बनारस से हूँ, बट मैं अभी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ। कितनी तैयारी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये एक दिन की तैयारी नहीं है, इसके लिए सालों से मेहनत चल रही है और मैंने बहुत सारे पैजेंट में पहले भी पार्टिसिपेट किया है, तो सारे जो एक्सपीरियंस है वो एक साथ इकट्ठे होकर मुझे यहाँ आज खड़ा करता है एज अ फाइनलिस्ट फॉर मुंबई। बहुत अच्छा लग रहा है, मुंबई को जैसे बोला जाता है सपनों का शहर, ये है, यहाँ पे आने के बाद वैसा फील होता है कि आपके जितने भी दिल में सपने वो सारे पूरे हो सकते हैं। आपका क्या सपना है? मेरा सपना है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसको लोग मेरे नाम से जाने, आइदर मॉडलिंग आइदर एक्टिंग और कुछ भी हो सकता है, बट वो ऐसा हो कि मैं रहूँ ना रहूँ मेरा नाम रहे। नो वी हैवंट मेट हर। नाम आप ही बोलिए या तो आप बोलिए। आई एम द फाउंडर ऑफ द क्लैब टैलेंट जो ये इंडियन मॉडल लुक कर रहा है, तो आई वाज नॉट द जज। ओके ओके, आई एम जस्ट बीइंग विद देम। या सो आप इवेंट के बारे में पूछिए कि क्या इवेंट है। क्या सर आपका नाम जानना चाहूँगा और इस इवेंट के बारे में जानना चाहूँगा जो आप चल रहा है। या आई एम यशराज, वी आर डूइंग ये इवेंट हम कर रहे हैं इंडियन मॉडल लुक, इसके हमने
डिफरेंट सिटीज़ में ऑडिशंस करें और फाइनली अबाउट 20 कंटेस्टेंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं. ये जो 20 कंटेस्टेंट है विनर जाएंगे इंडियन मॉडल टॉप मॉडल वर्ल्ड वाइड यूके में इंडिया को रिप्रेजेंट करने. जो बाकी टॉप 3 हैं उनको वेरियस प्राइजेस देंगे और जो टॉप 10 हैं उनको फॉर अ ईयर लॉजिंग बोर्डिंग प्लस उनको असिस्टेंस हमारी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा के विल बी मैनेजिंग. मैं सर आप हमेशा से आपकी जो कंपनी है अच्छे मॉडल नए न्यू कमर्स को सपोर्ट करती है, इसका राज क्या कुछ बताना चाहेंगे? व्हाट मेक यू दिस काइंड ऑफ डू वर्क? इंडिया में काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं बट राइट प्लेटफॉर्म और राइट अपॉर्चुनिटी की ज़्यादा ज़रूरत है प्रेजेंट में. सो वी ट्राई टू गिव उनको राइट अपॉर्चुनिटी. इसके अलावा जो जजेस आज है उन जजेस शगुन जी के बारे में कुछ बताना चाहिए, क्यों आपने उन्हें ही जज करने का चुना? शगुन जी वन ऑफ द फैशन आइकन है इंडस्ट्री की. शी अंडरस्टैंड्स वेरी वेल द वेरियस मॉडलिंग फील्ड, स्टाइल फील्ड, द लग्जरी फील्ड. सो वी थॉट कि वो वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस हमारी थी जज करने के लिए. क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर आपकी कंपनी? बिल्कुल, शी हैज़ ऑल द थिंग्स, जो चीज़ें चाहिए होती है सभी खूबी हैं. तो विल डेफिनेटली लाइक टू कनेक्ट उनके साथ में कि जिस भी तरह. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट योर के अलावा? हाँ जी, हमारा ये है प्लस हम म्यूज़िक फील्ड में भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं. तो सिमिलर हम नेशन वाइड कॉन्टेस्ट जो है वो म्यूज़िक का भी अभी प्लान करा है नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मे. तो फैशन एंड म्यूज़िक दोनों से हम एसोसिएटेड रहेंगे और लोगों को हम अच्छे टैलेंट प्रोवाइड करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you.